हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शादाब आपका अपने चैनल हेल्थ नॉलेज चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसी बीमारी के बारे में जो अक्सर देखने को मिलती है। आज हम बात कर रहे हैं हेडेक सर दर्द की, जो कि आम तौर पर लोगों में पाया जाता है। सिर दर्द एक ऐसी बीमारी है जो किसी भी कारण से हो सकती है, और सिर दर्द में जो दर्द होता है वो आपके फ्रंटल हेड में, यहाँ पे दर्द हो सकता है, साइड में दर्द हो सकता है, आपके पीछे दर्द हो सकता है, थोड़ा नीचे दर्द हो सकता है, तो यहाँ से यहाँ तक भी दर्द हो सकता है। और सिर दर्द कोई बीमारी नहीं है, लेकिन किसी और बीमारी का लक्षण है कि ये मान लीजिए आपको जो सर दर्द हो रहा है वो क्यों हो रहा है। तो हम अगर सर दर्द के कारणों की बात करते हैं तो सबसे बड़ा एक कारण होता है टेंशन, हेडेक, तनाव। हम कोई बात सुनते हैं किसी से, कोई बात करते हैं, आप टेंशन ले लेते हैं, टेंशन की वजह से आपके सिर में दर्द हो जाता है, बहुत तेज़ दर्द होता है, आगे दर्द हो सकता है, साइड में दर्द हो सकता है, जिसको हम टेंशन हेडेक कहते हैं। और सबसे ज़्यादा जो दर्द पाया जाता है पेशेंट में वो टेंशन हेडेक ही होता है। अराउंड 28-30% जो सर दर्द है वो पाया जाता है टेंशन हेडेक। उसके बाद में इससे कम पाया जाता है माइग्रेन। तो एक तो हमने बात की जो सर दर्द आपको हो रहा है या तो टेंशन हेडेक है, या फिर आपका जो दर्द है वो माइग्रेन है। माइग्रेन का दर्द बहुत बुरा होता है, जिन लोगों को होता है उनको पता होगा। दिस इज़ रियली वेरी बैड एंड यू कैन नॉट हेल्प इट। तो पता नहीं होता क्या करना है, दवाइयाँ खाते रहते हैं सालों साल। कुछ लोग कुछ बताते हैं, टोटके बताते हैं माइग्रेन के लिए, कुछ लोग बताते हैं अमरूद के पत्ते पर शहद लगा के कुछ करके, तो ट्रीटमेंट हो जाता है। लेकिन अगर हम बात करें परमानेंट क्योर, परमानेंट ट्रीटमेंट की, तो उसके लिए हम आपको आगे बताएंगे आप इस सर दर्द को कैसे ठीक कर सकते हैं। उसके अलावा आपका जो सर दर्द हो रहा है वो आपको इंडाइजेशन है, गैस है, आपको डिस्पेप्सिया है, पेट साफ नहीं है आपका, तो उसकी वजह से भी आपको सर दर्द हो सकता है। अगर बात करें बुखार, बुखारों में भी दर्द होता है, किसी को टाइफाइड हो गया, डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, टाइफाइड, बहुत सारे बुखारों की वजह से भी सर दर्द हो जाता है। और दर्द बहुत हल्के भी होता है, सर भारी होना, हल्का हल्का दर्द रहता है यहाँ पे जो फ्रंटल आपका हेड है, यहाँ पे धीमा धीमा दर्द रहता है, आप काम नहीं कर पाते। या फिर उसके अलावा एक सिर दर्द होता है आपको लैक ऑफ स्लीप, जिसको हमने एक पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, जिसको हम इंसॉम्निया, स्लीपलेसनेस भी कहते हैं। आप पिछली रात आप प्रॉपर सो नहीं पाए, तो अगले दिन आपका जो थकावट होगी, फटीग होगा, सिर में दर्द होगा, सिर भारी होगा, आपको अरुचि होगी, आपका काम करने का मन नहीं लगेगा काम में, तो ये भी कारण है कि आपको सर दर्द हो सकता है। उसके बाद आगे अगर बात करें इसके कारणों की, तो ये कुछ दर्द, सर दर्द आँख की कमज़ोरी की वजह से भी हो सकता है। आँख में कमज़ोरी है आपको, आपकी जो नज़र है वो पास की या दूर की कमज़ोर हो रही है, आपको पता नहीं लग रहा है, आप कंप्यूटर पे बहुत ज़्यादा काम करते हैं। छोटे बच्चों में पास की नज़र कमज़ोर है, या कुछ लोगों में दूर की नज़र कमज़ोर है, तो भी आपकी पास की नज़र की कमज़ोर है, आपकी पास की जो नज़र है वो कमज़ोर है, और आप फिर भी आप चश्मा नहीं लगा रहे हो और डॉक्टर को विजिट नहीं कर रहे हो, आप कंप्यूटर पे बराबर काम कर रहे हो, गेम खेल रहे हो, रात रात लाइट बंद है और आप एक मोबाइल में फ़ोन में गेम खेल रहे हो, उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा असर आपकी नज़र पे पड़ता है, जिसके वजह से आपको सर दर्द हो सकता है। तो ये कारण हमने कुछ बताया आपको, माइग्रेन है, स्ट्रेस है, तनाव है, तो भी आपको सर दर्द हो सकता है। तो
किसी को जॉन्डिस हो गया, पीलिया हो गया, तो भी इम्कान होता है कि उसको सर दर्द हो सकता है। तो आज हम इसी पे चर्चा करेंगे कि सर दर्द हो गया तो क्या करें। अक्सर लोग सर दर्द होने पर एकदम से भागते हैं एलोपैथी की तरफ, और उसके अंदर आपका जो डेक्लोफिनेक एक सॉल्ट है आप वो ले रहे होते हैं। डेक्लोफिनेक एक सोडियम, एक सोडियम होता है, पोटेशियम होता है। जिन लोगों का बीपी हाई होता है वो उन लोगों को सोडियम वाला वो नहीं लेते, बल्कि पोटेशियम, डेक्लोफिनेक पोटेशियम एक सॉल्ट होता है वो लेते हैं, और उसका एक दवाई का नाम है गॉक्सीमॉल जिसको हम यूजुअली लेते हैं, तो बहुत असरदायक होती है। लेकिन दर्द की गोली बार बार खाना किडनी पे नुकसान है। कुछ लोगों को डेली सिर में दर्द हो जाता है, तो ऐसे लोगों को चाहिए कि वो अपनी जो लाइफस्टाइल है उसको ठीक करें। उसके अलावा उनका सोने का जो टाइम है, उठने का टाइम है, हर काम करने का उनका टाइम प्रॉपर होना चाहिए, और उसके अलावा एक सही डॉक्टर, सही परामर्श देने वाले से मिलें और इस बीमारी का निदान कराएं, क्योंकि सिर दर्द बहुत सारे बीमारियों को साथ लेकर आ सकता है। और तो आज हम इसी की बात करेंगे कि आपको सर दर्द हो रहा है तो आप क्या करें, आपको सर दर्द हो रहा है तो कौन सी दवाई लें, क्योंकि जब सर दर्द होता है तो वी कैन नॉट डू एनी वर्क, वी नीड अ रेमेडी एट वंस। हमें एकदम से एक दवाई ऐसी चाहिए होती है जिसको खाने के बाद में, उस दवाई को हम खाने के बाद में जल्दी से हमें रिजल्ट मिले, हम अपने काम पे जाएं। तो मान लीजिए आपका कंप्यूटर पर बैठने का बहुत सारा, आपको कंप्यूटर पर बैठने का काम होता है, आप कंप्यूटर पर ऑफिस में काम करते हैं, आपको सिर में दर्द हो रहा है तो आपको बहुत सारा काम करना है, तो फटाक से आप दवाई खा लेते हो, एक एलोपैथी एक मेडिसिन कोई भी आपने पेन किलर ले लिया तो जल्दी से आप काम करने लगे। बट दिस इज़ नॉट परमानेंट ट्रीटमेंट। तो परमानेंट ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो उसके लिए हम अभी मैं आपको दो दवाई बताऊंगा जो कि बहुत बहुत अच्छे तरीके से दर्दों में लाभ करती हैं, और दर्द होने के 15-20 मिनट में ही आपको रिलीफ आने लगेगा। और जैसे कि माइग्रेन होता है तो माइग्रेन के लिए दवाई कुछ टाइम के लिए खानी पड़ती है, कुछ महीनों के लिए तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे आप, अगर आपको या किसी आपके जानने वाले को माइग्रेन है। और उसके अलावा अगर आपको टेंशन हेडेक है, नींद पूरी ना होने की वजह से आपको हेडेक हो रहा है, या तनाव स्ट्रेस होने की वजह से आपको सर दर्द हो रहा है, तो उसके लिए भी हम आपको दवाइयाँ बताते हैं। तो चलिए बात करते हैं होम्योपैथी की। होम्योपैथी के अंदर मैं दो दवाइयाँ आपको बताता हूँ जो कि आपका दर्द है वो बहुत जल्दी आप उस पर काबू पा लेंगे। सबसे पहली दवाई है हमारे पास में होम्योपैथी में दर्दों के लिए, उस दवाई का नाम है बेलाडोना मदर टिंक्चर। आप होम्योपैथी मेडिकल स्टोर पे जाएं और वहाँ से बेलाडोना, मैं इसकी स्पेलिंग भी उसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आसानी के लिए, और इन दवाइयों का कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता तो आप इनको आराम से ले सकते हैं। और जब आप कोई भी होम्योपैथी दवाई लें तो उसके आधा घंटा पहले और आधा घंटा बाद में कुछ ना खाएं, तक कुछ ना खाएं। अगर आप 10 बजे दवाई लेंगे तो आप 9:30 बजे के बाद कुछ ना खाएं और 10:30 बजे के बाद ही कुछ खाएं। तो कुछ नियम हैं होम्योपैथी दवाइयों के, और जब आप होम्योपैथी दवाई का यूज़ करें तो थोड़ा सा अवॉइड करें आप जितनी भी गंध वाली चीज़ें हैं, जैसे लहसुन, प्याज, हींग, इस तरह की चीज़ों का थोड़ा कम इस्तेमाल करें या ना करें, तो होम्योपैथी जो दवाई है वो आपको बहुत जल्दी आप उसका रिज़ल्ट देख सकते हैं। तो पहली दवाई हमने बताई बेलाडोना मदर टिंक्चर। आप ये 30 ml में एक फाइल, एक शीशी आती है इतनी बड़ी, अब वो ला सकते हैं। अब वो ला के अपने पास में रखें, बेलाडोना क्यू या बेलाडोना मदर टिंक्चर। उसके बाद में एक दूसरी दवाई है पैसी फ्लोरा क्यू। पिछले वीडियो में हमने बताया था जब हम बात कर रहे थे सिर नींद ना आने की और इंसोमनिया की, तो हमने तब भी इस दवाई का जिक्र किया था, बहुत अच्छी दवाई है।
और पैसिफ्लोरा इनकारनेटा मदर टिंक्चर, आपको नींद ना आने की वजह से हो रहा है, आपको तनाव है, टेंशन है, हेडेक है, तो बहुत बढ़िया असर करती है, बहुत जल्दी से आपको इलाज मिल जाता है। तो आपको एक दवाई लेनी है बेलाडोना, बेलाडोना मदर टिंक्चर आपने ले लिया, दूसरी दवाई आपने ले ली पैसिफ्लोरा मदर टिंक्चर। आप ये दोनों मदर टिंक्चर लाएं और आप एक खाली शीशी लें, खाली फाइल लें, आप कोई भी बिल्कुल खाली हो, साफ हो, सूखी हो, आप उसमें अपने हिसाब से आधी दवाई 50% आप ये डालें बेलाडोना और आधी पैसिफ्लोरा इनकारनेटा, आप इसको मिला करके रख लें अपने पास में, बंद करके अच्छे से टाइट करके, तो ये आपका एक मिक्सचर बन गया दर्दों के लिए, सर दर्द के लिए आपका एक बहुत अच्छा आपने मिक्सचर बना लिया है। जब भी किसी को अब सिर में दर्द हो, मान लीजिए एक्यूट एकदम से हो गया, अभी हो रहा है, टेंशन हेडेक हो गया, और तो आप क्या करें, जल्दी से इसके आधा कप पानी में आप 20 बूंद लें, 20 बूंद आप पी लें, आधा कप पानी में आप 20 बूंद डालें दवाई की और आप उसको पी लें। उसके बाद में आप इसको रिपीट कर सकते हैं 15 मिनट बाद या आधे घंटे बाद सेम, तो आपका जो दर्द है वो बिल्कुल चला जाएगा। अगर आप माइग्रेन की बात कर रहे हैं तो इसमें आपको ये करना पड़ेगा, आपको उसको लगातार कुछ महीनों के लिए आपको लेनी पड़ेगी। आप ये दवाई को 20 बूंद सुबह में आप लें आधे कप पानी में, फिर आप 20 बूंद आप दोपहर में लें, दोपहर के थोड़ा बाद 3-4 बजे, और उसके बाद में आप इसको शाम में 8-9 बजे आप एक खुराक एक डोज इसकी फिर लें। 20-20 ड्रॉप आपको लेनी है दिन में 3 बार माइग्रेन के लिए। अगर आपको टेंशन हेडेक हो गया है तो आपको जैसे मैंने बताया अभी लेना है, फिर आधा घंटा बाद लेना है, बहुत आपका दर्द छूमंतर हो जाएगा। और अगर लॉन्ग लास्टिंग माइग्रेन जैसे दर्द की बात करें तो ये मैंने आपको बता दिया है कि आप उसको लगातार कॉन्टिन्यूसली आप 3 times यू कैन टेक दैट जो ड्रॉप बनेगा, आप 3 बार उसको ले सकते हैं। तो आज की वीडियो आज के लिए बस इतना ही, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि अक्सर हर आदमी इस सर दर्द वाले इशू से गुजरता है, और जब हमारे पास ऑप्शन नहीं होता तो हम क्या करते हैं, हम जल्दी से मार्केट से एक एलोपैथी मेडिसिन लाते हैं, तो दैट इज़ वेरी हार्मफुल टू द बॉडी, किडनीज के लिए भी। अगर आप कंटिन्यू, कुछ लोगों को दर्द हो रहा है लाइक डेली बेस पे हो रहा है, तो वो दवाई लेंगे तो दिस इज़ वेरी हार्मफुल। तो आप उसको, आप ऑल्टरनेट है हमारे पास में, आप होम्योपैथी को अपनाएं और बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के आप निरोगी बने। तो अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, कोई सवाल है मन में, तो आप ज़रूर मुझसे पूछिए, इसमें कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि हमारी आगे जो आने वाली जो वीडियो होती है वो एक यूनिक, हम ये प्लान्ड करके ऐसी वीडियो बनाते हैं जो बहुत कॉमन डिसीजेज मार्क अभी फ़िलहाल है लोगों के बीच में, हम देखते हैं इंटरनेट के थ्रू या गूगल पे या जो सर्वे होते हैं, जो भारत में आम तौर पर बीमारियां हैं, तो सबसे पहले हम उन्हें ही कवर करते हैं, ताकि जन जन तक ये हमारा जो विश्वास है, जो हमारी इंफॉर्मेशन है, लोगों तक पहुंचे और भारत एक सुदृढ़ अच्छा बनने में, मजबूती में आप सहयोग प्रदान करें। तो अगर आप कुछ बताना चाहते हैं, कुछ आप शेयर करना चाहते हैं, आपको कोई टॉपिक है, आप कोई चाहते हैं आप किस बीमारी पे हम एक वीडियो बनाएं, तो ज़रूर हम उस पर विचार करके वीडियो बनाएंगे। और आप शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि ये जो जानकारी दी गई है बहुत सालों की तपस्या का फल है, बहुत तजुर्बे के बाद में हम केवल वही अगर आप होम्योपैथी देखें तो बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं, लेकिन ये तजुर्बे से ही पता चलता है, जो हमारे और डॉक्टर्स हैं, जो सीनियर्स हैं, तो वो बताते हैं कि पिछले 15 साल से 20 साल से वो एक पेटेंट एक ऐसी दवाई जो कि सब लोगों पे काम करती है, हम कोशिश ये करते हैं कि एक ऐसी दवाई लाई जाए, एक ऐसी दवाई दर्शकों को, लोगों को, बीमार लोगों को, ये सब लोगों को बताई जाए, जिससे कि उनको हर हाल में फ़ायदा हो। तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, और अपने जो आपके बहुत रिलेटिव हैं, बहुत आपके लव्ड वंस हैं, आप उनको भी बोल लें कि हमारा
हेल्थ नॉलेज चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें सब लोगों के लिए। इस चैनल में कुछ ना कुछ छुपा हुआ है, और अक्सर होता ये है कि जब हमारे आस पड़ोस में कोई रिलेटिव में कोई रिश्तेदारों में कोई बीमारी आती है, तो तभी हम जांच पड़ताल करते हैं कि कौन सी बीमारी है, किस तरह किसके सिम्टम्स होते हैं, आप इसको क्या क्या दवाइयां हैं, बहुत सारी चीज़ें तब सामने आती हैं। लेकिन जैसा मैं हर बार बोलता हूँ कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। आपको प्रिवेंशन अगर है, पता है कैसे, हाउ यू कैन प्रिवेंट दिस डिसीज़, तो आप बहुत आसानी से बिना उस बीमारी में लगे आप उसका ट्रीटमेंट बता सकते हो लोगों को। और जानकारी बहुत इम्पॉर्टेंट है, और जो नॉलेज है, नॉलेज इज़ रियली इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीवन टू अचीव। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, फिर आपसे फिर अगले वीडियो में मिलते हैं किसी और ऐसे।